वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद शिखा। गाइस कैसे हैं आप सब, होप यू आर डूइंग गुड। गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, आज मैं आपके साथ गुड वाइब्स का लेमन 100% एसेंशियल ऑयल इसका रिव्यू और डेमो शेयर करने वाली हूँ। एंड इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये सारे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस ये है गुड वाइब्स का लेमन 100% प्योर एसेंशियल ऑयल। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ml की मिलने वाली है आपको। गाइस ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलने वाला है और ये मैंने जो बाय किया था वो purple.com से बाय किया था। जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सभी जानते होंगे कि जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट है वो मोस्ट purple.com पर ही अवेलेबल होते हैं। सो ये मैंने वहां से ही बाय किया है। अगर आप इसे बाय करना चाहोगे और जब आपको पता चलेगा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये कितना बेनिफिशियल होने भी वाला है आप लोगों के लिए जब आप इसको यूज करेंगे एक बार, तो आप इसे जरूर इसे बाय करना चाहेंगे। और बाय करने के लिए आपको इसका लिंक का भी जरूर पता होना चाहिए, तो आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इसका लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजिली जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको प्रोडक्ट इजीली मिल भी जाए। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि एसेंशियल जो ऑयल होता है वो हम अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल है आपको इस तरह की आउटर पैकेजिंग में मिलने वाला है। एंड इनर पैकेजिंग में आपको इसकी शो कर देती हूँ। गाइस मुझे इसके साथ ये भी मिला था लेकिन फिट नहीं हो रहा था, सो इसलिए मैंने इसमें खुद ही हॉल कर लिया है। इस तरह का मिलने वाला है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ml है। अब गाइस आप जानना चाहेंगे कि इतनी सी बॉटल अपने हेयर में भी कैसे अप्लाई करेंगे और अपने फेस पे भी कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ 2-3 times ही यूज होगा। सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसेंशियल ऑयल जो होता है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में कभी यूज करते ही नहीं है, चाहे वो हम अपने हेयर के लिए करें या चाहे वो हम अपने फेस के लिए यूज करें। सिर्फ और सिर्फ इसकी 1 या 2 drops ही काफी होती है। आप अपने हेयर के लिए यूज करें या आप अपने फेस के लिए यूज करें, इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना पड़ता है। इसको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 drops में यूज करना पड़ता है। सो इसमें मैंने एक हॉल कर लिया है। इसमें हॉल था नहीं बट ये मुझे मिला था, आई थिंक ये फिट करने के लिए था बट ये इसके अंदर नहीं जा रहा था। सो मैंने इसमें कर लिया है एक हॉल, मे बी आपको दिख रहा हो। सो 4-5 times यूज भी करा अपने हेयर के लिए भी और अपने फेस के लिए भी। और आज मैं आपको जो इसका डेमो दिखाने वाली हूँ वो अपने फेस पर दिखाने वाली हूँ। सो यस, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे वो आप मेरे डेमो में देखिएगा और इसके बेनिफिट्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप हेयर के लिए एसेंशियल ऑयल बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले मैं आपको ये बता देती हूँ। गाइस अगर आपके हेयर पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है, बाल बहुत ज्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं, बहुत हमारे बाल थोड़े चिपचिपे टाइप लगने लगते हैं, सो इन सब जो हमारी हेयर्स प्रॉब्लम्स होती है उस पर करता है ये वर्क। जो हमारी हेयर्स की प्रॉब्लम्स होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती है या इचिंग भी होती है, अगर इचनेस होती है अपने जो हमारे स्कैल्प्स होते हैं वहां पर इचनेस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इसको जरूर यूज कीजिएगा, ये उस पर जरूर वर्क करेगा। अब ये तो बात हुई है हेयर्स की। एंड गाइज मैं बता देती हूँ कि आपको हेयर्स के लिए कैसे यूज करना है। आप कोई भी ऑयल यूज करते हैं, आप एसेंशियल ऑयल के साथ कोई कैस्टर ऑयल यूज करते हैं तो आप उसको 1 spoon लीजिएगा। ओनली 1 spoon आपने ऑयल लेना है और उसमें जो एसेंशियल ऑयल की सिर्फ 2 या 3 drops ही उसमें डालनी है। उससे ज्यादा बिल्कुल आपको नहीं डालनी क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है, वो एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। सो गाइज आपने करना क्या है, अपने एक कैस्टर ऑयल लेते हैं, उसमें 1 spoon में इसको 2 या 3 drops डालिए और आपको अपने स्कैल्प्स में अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करना, आपने अपने हेयर्स में अप्लाई नहीं करना है, इसको आपने अपने स्कैल्प्स में अप्लाई करना है। और आपको जो इसके बेनिफिट्स होंगे वो आपको खुद जरूर देखने को मिलेंगे जब आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे। अब गाइज ये तो हो गई है बात हमारे हेयर्स की, अब मैं आपको बता देती हूँ फेस के लिए। ये फेस के लिए जितना
इम्पोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइज अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स है, पिंपल प्रॉब्लम्स है, स्किन डल हो गई है, आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डल हो गया है, अगर आपकी स्किन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये उसको कंट्रोल करेगा। और एक बार तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये फेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, हेयर के लिए भी। सो हुई ना कितनी अच्छी बेनिफिट वाली बात, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक अगर इसको सिर्फ एक बाय करना है, आपने अपने हेयर पे भी अप्लाई कर लेना है और आपने अपने फेस पे भी अप्लाई करके देख लेना है। आप हो सकता है आपको फेस पे ज्यादा शूट करे, हो सकता है आपको हेयर पे ज्यादा शूट करे, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने तरीके से इसको यूज कीजिएगा। बट गाइज मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप इसे डे में ना यूज करें, आप हमेशा इसको नाइट में ही यूज करें। और अगर आप अपनी स्किन केयर करते हैं या आप अपने हेयर केयर करते हैं तो आप नाइट में ही उन्हें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि नाइट में हमारी बॉडी जो होती है वो एकदम रिलैक्सिंग होती है और जो वर्क होता है वो हमारा बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो ऑयल हो। तो आप इसको नाइट में यूज कीजिएगा, डे में नहीं कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस कभी भी इसको ज्यादा क्वांटिटी में लेकर नहीं करना है यूज, ऐसा नहीं सोचना कि इसको ज्यादा ले लेते हैं तो ये ज्यादा फर्क करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स ही ले, इससे ज्यादा क्वांटिटी में इसे कभी नहीं लेना, आप इसे कैसे भी यूज करो। और अब इसको डेमो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से अपने फेस पे यूज करना है। एंड गाइस मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको एसेंशियल ऑयल के लिए बता देती हूँ, जिसे आप कभी भी भूलिएगा नहीं। एंड मैं बता देती हूँ कि एसेंशियल ऑयल आप कभी भी बाय करते हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें, हमेशा याद रखें कि जो एसेंशियल ऑयल है वो बेस्ट क्वालिटी का हो। गाइस इसको आप डे में कभी यूज ना करें, और गाइस कभी भी एसेंशियल ऑयल आपने डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, कभी नहीं करना है डायरेक्ट अप्लाई, और अपने हेयर्स पर भी नहीं करना है। एंड गाइज इसको आप जब भी इसे अप्लाई करें तो इसे आप कभी आउटसाइड ना जाएं तो बेहतर ही होगा। एंड गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसे यूज करें तो आप इसको नाइट में जरूर यूज करें, इसको डे में स्किप ही कीजिएगा, नाइट में अप्लाई कर सकते हैं आप इसे, हेयर पे लगाएं या फेस पे लगाएं ये आप पे डिपेंड करता है, बट इसे नाइट में यूज करें। सो गाइज जल्दी से आप इसका रिव्यू देख लीजिएगा। सो गाइज ये है गुड वाइब्स का लेमन 100% प्योर एसेंशियल ऑयल है गाइज ये, एंड जो इसकी क्वांटिटी आपको मिलने वाली है वो आपको 10 ml की मिलने वाली है। एंड गाइज ये आपको इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मिलने वाला है। एंड गाइज इस साइड कुछ भी मेंशन नहीं है, बट इसके बैक साइड आपको यहाँ इसके बेनिफिट, हाउ टू यूज़ एंड बी केयरफुल ऑफ सब मेंशन किया गया है। गाइज इसके जैसे बेनिफिट बताए हैं कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एक्सेस ऑयल जो होता है उसको कंट्रोल करता है, एंड और बहुत सी चीज़ें मैंने आज आपके साथ इसकी शेयर भी की है जो इसके बेनिफिट्स होते हैं। एंड गाइज आप डेमो में देखिएगा कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, एंड यहाँ इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किया गया है। एंड गाइज मैं आपको बता देती हूँ इसके जो मैन्युफैक्चर डेट है एंड एक्सपायरी डेट भी यहाँ मेंशन की गई है, आपको ये इजीली 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो 220 है, और ये आपको purple.com से ईजिली मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट यहाँ मेंशन है ये 100% वेजिटेरियन है, क्रुएल्टी फ्री है गाइस, ये नॉन GMO है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, सेफ ऑन स्किन के लिए, एंड गाइस ये 100% प्योर भी है, नो साइथेंटिक्स, टेस्टेड फॉर ऑथेंटिसिटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेफ भी है आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा प्योर भी है, तो इसका बैड इफेक्ट तो आपकी स्किन पर नहीं होने वाला है। सो गाइज इसकी अब मैं आपको इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि ये आपको अंदर से कैसे मिलने वाला है। आपको ये अंदर से एक शीशे की बॉटल में मिलने वाला है, इस बॉटल इस तरह की होने वाली है, एंड गोल्डन कलर की इसकी कैप है, आप देख सकते हैं। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि ये अगर आप ट्रैवल के लिए कहीं लेकर जाओगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इसका जो कंटेनर है उसमें से प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, आप इसे अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ सब मेंशन किया गया है जैसा कि आउटर पैकेजिंग पर मेंशन किया गया था, एंड ये आपको बॉटल इस तरह की मिलने वाली है। एंड गाइज ये मुझे इसके साथ ही मिला था, लेकिन इसमें ये फिट नहीं हुआ तो मैंने खुद से एक हॉल कर लिया है इसमें, और इसकी जो कैप है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फिट है वो,
और जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। एंड गाइज आप देख सकते हैं इसमें मैंने खुद से जो हॉल किया है, क्योंकि जो इसके साथ आया था फिट करने के लिए वो इसमें नहीं हो रहा था। सो मैं अपने हैंड पर आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, बट गाइज इसे आप अपने फेस पर या हेयर पर कभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसके टेक्सचर के लिए मैं आपको अपने हैंड पर इसको दिखा रही हूँ। गाइज आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं है कि ऑयली बेस्ड है तो ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा और आपकी स्किन ऑयली करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपकी स्किन को कंट्रोल करेगा, जो आपकी स्किन का ऑयल होता है उसको कंट्रोल करेगा। और गाइज इसमें लेवेंडर का और ऑरेंज भी जो एसेंशियल ऑयल है वो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं। सो गाइज ये आपको अगर पसंद आया हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज अब जल्दी से आप इसका डेमो देख लीजिएगा, मैं इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहले अपने फेस पे नीम एंड तुलसी वाला जो टोनर है वो अप्लाई कर लिया है, क्योंकि फेस के लिए टोनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश के बाद अपने फेस पर टोनर अप्लाई करती हूँ। और अब मैं यहाँ लाइम एंड बेसिल क्रीम ले रही हूँ फ्रॉम दी गुड वाइब्स। गाइज इसका भी रिव्यू विद डेमो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज मैं इस क्रीम को अपने हैंड पे ले लूँगी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना मुझे अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड गाइज अब इसमें मैं एसेंशियल ऑयल की 2 या 3 ड्रॉप्स मिक्स करूँगी। आपने कभी भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट तो फेस पे अप्लाई करना नहीं, तो आपने करना क्या है, आप डेली यूज़ में जो भी क्रीम यूज़ करते हैं उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की डाल करके आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। एंड गाइज इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग भी आपको ये कॉम्प्लेक्शन देगा, और आपकी स्किन से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। सो जैसे कि मैंने मिक्स कर लिया है दोनों को, क्रीम को और एसेंशियल ऑयल को, सो अब मैं अपने फेस पे इसको कर रही हूँ अप्लाई। आपको एज अ क्रीम इसको अप्लाई करना है और आप नाइट के टाइम इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैंने ये कर लिया है और मैं इसको एज अ मसाज ईजिली अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी ज़्यादा रब करके मैं इसको अप्लाई नहीं करूँ। सो जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपने भी ऐसे ही अप्लाई कर लेना है, अपने तरीके से कर लेना है। एंड 2 मिनट तक आप इसे अपने मसाज देनी है ताकि ये आपकी स्किन में अब्जर्ब हो जाए। सो आपको इस तरह ही कर लेना है और ये आपकी स्किन में अब्जर्ब हो जाएगा। आप इसे 1 डे में 1 टाइम ही यूज़ करें, वो भी नाइट में, और इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गाइस एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है, मॉइस्चराइज हो गई है, सो यू कैन सी। सो गाइस गुड वाइब्स के लेमन एसेंशियल ऑयल का जो रिव्यू भी मैंने आज आपके साथ शेयर करा, डेमो भी मैंने आज आपके साथ शेयर करा, और इसकी सारी इम्पोर्टेंट बात मैंने आज आपके साथ कर दी है शेयर भी। गाइज अगर कुछ भी स्किप हो गया हो मुझसे और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ कर दूंगी शेयर। और गाइज कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे बताइएगा जरूर, और अगर आई हो आपको पसंद तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। गाइज बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मेरी डेली की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।